واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة زلالة وكل زلالة في النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. عیوب اور نقائص سے منزہ اور پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. آج اس شخصیت کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں. ان کا نام ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کا لقب جو ہے وہ فاروق ہے. جب وہ مسلمان ہوئے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی دلیری کی وجہ سے حق و باطل کے اندر، کفر اور اسلام کے اندر ایک امتیازی فرق کر دیا. اسی وجہ سے ان کو فاروق کہا جاتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے جن افراد کو مکہ المکرمہ کے ابتدائی دور میں اسلام قبول کرنے کی توفیق دی، ان میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہے. اور یہ اپنے بہنوئی اور بہن کے کوششوں اور کاوشوں سے مسلمان ہوئے. ان کے جو بہنوئی ہیں حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے بلکہ عشرہ مبشرہ میں شامل ہے جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان اقدس سے جنت کی بشارت دی. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالی سے مانگ کر لیا ہے. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ ان دو بندوں میں سے ایک بندے کے ساتھ اسلام کو تو غلبہ دے. عمر بن خطاب کے ذریعہ یا عمر بن حشام جو ابو جہل ہے اس کے ذریعہ. تو اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا پر عمر بن خطاب کی شخصیت کو اسلام کے لیے دے دیا ہے. اب اسلام قبول کرنے کے بعد
इनके जो कारनामे हैं, इनकी जो खिदमात है वो इतनी ज्यादा है, इंसान उसको अपने इहाता बयान के अंदर ला नहीं सकता। उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु, उनको ये फजीलत भी हासिल है कि वो नबी अलैहि सलातु वसलाम के ससुर है, और इनकी बेटी सैयदा हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन नबी अलैहि सलातु वसलाम की बीवी बनी। हदीस में आता है सैयदा हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह नबी अलैहि सलातु वसलाम से होने से पहले उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला उन्हों कहते हैं कि मैंने अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला उन्हों से कहा कि आप मेरी बेटी के साथ निकाह कर लें। उन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली और मुझे कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने उस्मान से कहा कि आप मेरी बेटी के साथ निकाह कर लें, उन्होंने भी खामोशी इख्तियार कर ली और कोई जवाब नहीं दिया। उनके जवाब ना देने की वजह से मैंने बड़ा कलत महसूस किया। बाद में नबी अलैहि सलातु वसलाम का जो पैगाम निकाह था वो आ गया। अब अल्लाह तबारक व तआला की शान देखें, एक है किसी आदमी की ख्वाहिश के मेरी बेटी का निकाह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ हो जाए, और एक है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख्वाहिश कि उमर बिन खत्ताब की बेटी हफ्सा के साथ मेरा निकाह हो जाए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पैगाम आया, निकाह हो गया, तो बाद में अबू बकर और उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हुमा उन्होंने कहा कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी बेटी के बारे में पूछ रहे थे, तो दिलचस्पी की वजह से हमने ये समझा कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी बेटी के साथ निकाह करना चाहते हैं, लिहाजा हमने आपको कोई जवाब नहीं दिया कि जब तक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से बात वाज़े ना हो जाए। तो ये भी बड़ी इज्जत और शर्फ की बात है। हजरत हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु के अंदर ये खूबी है कि जमाने जाहिलियत में वो खतो किताबत भी जानते थे, पढ़ना भी जानते थे, यानी इनका जो खानदान था वो पढ़ा लिखा हुआ खानदान था। कुरान मजीद की जो मास्टर कॉपी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों में से जिसको दी है वो सैयदा हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा को दी है, और उसका सबब भी यही था कि सैयदा हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा पढ़ना लिखना बखूबी जानती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा मदीना से बाहर एक डेरे में बैठे हुए थे, जो बवाब थे दरबान यानी दरवाजे पर जिस सहाबी की ड्यूटी है वो अबू मूसा अल अशरी रजी अल्लाह ताला अन्हु। दरवाजे पर दस्तक हुई, अभी हजरत अबू मूसा अल अशरी ने देखा नहीं कि दरवाजे पर कौन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दरवाजा भी खोल दे और आने वाले को जन्नत की बशारत दे दे। हजरत अबू मूसा अल अशरी रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि जब मैंने दरवाजा खोला तो वो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु थे। मैंने कहा आपको अल्लाह के नबी ने जन्नत की बशारत दी है, फिर दरवाजे पर दस्तक हुई, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया दरवाजा खोल भी दे और जन्नत की बशारत भी दे दे।
फरमाते हैं जब मैंने दरवाजा खोला तो कौन थे? उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु। अब दूसरी हदीस, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहद पहाड़ पर चले गए। हदीस में आता है नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये जो उहद पहाड़ है ये हमसे मोहब्बत करता है, हम इससे मोहब्बत करते हैं। उहद पहाड़ ने हिलना शुरू कर दिया। नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी मुबारक एड़ी पहाड़ पर मारी, फरमाया उस्मत ठहर जा, अलैक नबीउल्लाही, तुझ पर अल्लाह के नबी हैं, वह सिद्दीक और सिद्दीक है, वह शहीदानी और दो शहीद है। वो दो शहीद कौन? एक उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु और दूसरे हजरत उस्मान बिन अफान रजी अल्लाह ताला अन्हु। यानी जन्नत की बशारत भी अल्लाह के नबी ने दी और शहादत की बशारत भी नबी अलैहि सलातु वसलाम ने दी है। अब शहादत कैसे हुई है, मैं इस बात को सबसे पहले जिक्र करना चाहता हूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 63 साल की दुनिया से, 63 साल जब आपकी उम्र मुबारक हुई तो आप अल्लाह तबारक व तआला के पास चले गए। आप ये सुनकर हैरान होंगे, हजरत अबू बकर जब दुनिया से गए उनकी उम्र भी 63 साल थी, और हजरत उस्मान जब दुनिया से, हजरत उमर जब दुनिया से गए तो उनकी उम्र भी 63 साल थी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उलमा ने लिखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वफात है वो शहादत की है। यहूदिया ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहर दिया था और मरज़ुल मौत के अंदर नबी अलैहिस्सलाम ने कहा था कि उस जहर की काट अब मैं इस वक्त अपनी रगों के अंदर महसूस कर रहा हूं। नबी अलैहिस्सलाम की वफात के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक 2 साल जिंदा रहे। बुखार चढ़ा और बुखार चढ़ने के बाद वो अपनी तबी मौत दुनिया से चले गए। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी सियासी और इंतजामी बसीरत अता की थी। उन बसीरत के वाकयात में से पहली बात कि अहले किताब की औरतों के साथ निकाह ना करो। हमने इनके बाप अबाउजदाद को, इनके भाइयों को, इनके रिश्तेदारों को काटा है, अगर तुम इनसे निकाह करोगे, बच्चों को पैदा करोगे, तो मां जो है वो बच्चे की पहली मुअल्लिमा और उस्तानी है। ये इस्लाम के खिलाफ, उसके अकाबरीन के खिलाफ, बड़ों के खिलाफ इन बच्चों के जहनों को तैयार करें। अगरचे अल्लाह ने इजाजत दी है लेकिन मौजूदा हालात में इनके साथ निकाह ना करो। उनकी दूसरी ये राय थी कि जो गैर मुस्लिम तुम्हारे गुलाम है इनको इस्लामी रियासत से बाहर निकाल दो, वगरना होगा क्या, तुम्हारे अंदर की जो खबरें हैं वो बाहर जाएंगी तुम्हारे दुश्मन के पास। मुगीरा बिन शोबा रजी अल्लाह ताला अन्हु बड़े जलीलु कदर से आबी हैं। इनका लकब है साहिबुल विसादती वन नालैन, अल्लाह के नबी का तकिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जूतों को संभालने वाले, उठाने वाले, रखने वाले। हजरत मुगीरा बिन शोबा रजी अल्लाह ताला अन्हु, इनका एक गुलाम था बड़ा कारीगर, चकियां बनाता था, पत्थर तराशता था। आज से 30-40 साल पहले घरों के अंदर
पत्थर की चक्कियां हुआ करती थी। फजर से पहले उठकर हमारी माएँ हमारी दादियां आटा पीसती थी। फिर मशीनी दौर आ गया, रफ्ता रफ्ता घरों से ये चक्कियां जो है ये खत्म हो गई। वो चक्कियां बनाया करता था, इसको हमारी उर्दू जुबान के अंदर खरास कहते हैं, पत्थर की चक्की को। उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी ये सोच थी कि हमारी औरतें इबादात में तालीम व ताल्लुम में कहीं हमसे पीछे ना रह जाए। ऐसे ही होता है, रमजान के अंदर हमारी औरतें सहरी इफ्तारी बनाने में मसरूफ रहती हैं, हम खाते हैं मस्जिदों में आ जाते हैं, वो बिचारी खाना बनाने में मसरूफ, बर्तन धोने में मसरूफ, तरावी से इबादात से वो हमसे कदरे पीछे रह जाती है। उनकी ये सोच थी कि इबादात में और तालीम में हमारी औरतें घर के काम काज में मसरूफ हो करके पीछे ना रह जाए। तो मैं ऐसा काम करता हूं जिससे औरतों के लिए कुछ फुर्सत जो है वो निकल जाए। उन्होंने अबू लोलो को कहा, मुगीरा बिन शोबा रजी अल्लाह ताला उनके गुलाम को, अबू लोलो फेरोज नाम था इसका, एक कमर्शियल बुनियादों पे ऐसी चक्की तैयार करो जिसके साथ सारे लोग जो हैं वो मुस्तफीद हो, फायदा उठाएं, और घरों के अंदर जो औरतों की मुशक्कत है वो खत्म हो जाए। गधे को चलाया, गंदम गेहूं डाले और उसको पीस लिया, मुशक्कत ना करनी पड़े। उसने कहा, अमीरुल मोमिनीन, मैं ऐसी चक्की बनाऊंगा कि रहती दुनिया तक लोग याद रखें। अल्लाह ताला ने हजरत उमर को बड़ी बसीरत दी थी। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, पहली कौमों के अंदर मुलहम कि अल्लाह तबारक व तआला जिनको खैर और अच्छाई इल्हाम करता था ऐसे लोग थे, अगर मेरी उम्मत के अंदर ऐसे लोग हुए तो उनमें उमर बिन खत्ताब है। हजरत उमर बिन खत्ताब फौरन भाग गए कि इसने मुझे कत्ल की धमकी दी है। अपने साथियों से कहा कि इसने मुझे कत्ल की धमकी दी है, और उन्होंने कहा कि हम इसको गिरफ्तार ना कर ले, पकड़ ना ले, इसको मार ना दे। फरमाने लगे, अल्लाह ताला की शरीयत इजाजत नहीं देती। हजरात, कुछ दिन गुजरे थे, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने फजर की नमाज खुद पढ़ा रहे थे, फजर की नमाज, और सूरत यूसुफ की तिलावत कर रहे थे फजर की नमाज के अंदर। अंधेरे का फायदा उठाते हुए दो दारी खंजर, यानी वो खंजर उसको आग पर तपाते हैं, तपाने के बाद उसको जहर के अंदर ठंडा करते हैं, जहर के अंदर बुझा हुआ। अमीरुल मोमिनीन नमाज पढ़ा रहे हैं, उस जालिम ने हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अनु के पेट पर पै दर पै 10 के करीब वार किए। वो नमाज तोड़कर पकड़ सकते थे, लेकिन उनको नमाज अपनी जिंदगी से भी प्यारी थी। हम अपने ईमान का जायजा लें, और जो मजहबी लोग हैं वो नमाजें पढ़ते हैं जमात को छोड़कर, वक्त को छोड़कर, तकबीर उल्ला को छोड़कर अपनी मर्जी से। बड़े जंगजू थे, बड़े बहादुर थे, बड़े फुर्तीले थे, बड़े दलेर थे, वो चाहते फौरन पकड़ लेते। तेरी ऐसी तैसी, भाई तू कौन होता है मारने वाला। एक बंदा आया अमीरुल मोमिनीन के पास, उसने कहा, मैंने आपकी तलवार की बड़ी शोर सुनी है, मुझे तलवार तो दिखाएं। तलवार दे दी, देख के ऐसे कहता है, ये तो आम सी तलवार है। फरमाने लगे,
मैंने तुझे तलवार दी है, चलाने वाला हाथ नहीं दिया। कमाल मोहब्बत मुस्तफा और ईमान के साथ चलाने वाले हाथ का। जिस जंग के अंदर जाते थे अल्लाह तबारक व तआला फतह अता करता था। और ऐसी अजीम हस्ती, फरमाया अल्लाह तबारक व तआला कैसरो किसरा को फतह करेगा। दुनिया की आंख ने देखा, अल्लाह तबारक व तआला ने उमर बिन खत्ताब के दौर के अंदर रूम को फतह कर दिया, बैतुल मक़दस को फतह कर दिया। बड़े दलेर आदमी थे, वो पकड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने नमाज को तरजीह दी। किसको तरजीह दी है? नमाज को। फवारों की तरह खून जो है वो पेड़ से निकला, फवारों की तरह। अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु पीछे खड़े थे, वो फौरन आगे बढ़े, बड़ी मुख्तसर नमाज पढ़ाई। इस जालिम ने भागने की कोशिश की, सहाबा किराम ने भागने नहीं दिया। जो लोग कहते हैं ना कि वो बिखरे हुए थे, वो तितर बितर थे, वो सिर्फ अल्लाह के नबी के जानिसार न थे बल्कि वो अल्लाह के नबी के प्यारों के भी जानिसार थे। सहाबा किराम ने उसको भागने नहीं दिया। 11 के करीब सहाबा किराम को उसने जख्मी किया, उनमें से 7 सहाबा किराम शहीद हो गए। 7 सहाबा किराम शहीद हुए। वो जहरीला खंजर था, वो जिसको लगता मौत का बायस बन जाता। जब उसने देखा कि मैं भाग नहीं सकता, उसने वो खंजर अपने दिल पर मारा, अपने आप को कत्ल कर दिया। सलाम फेरने के बाद अमीरुल मोमिनीन को उनके घर मुंतकिल किया गया। जब उनको होश आया तो उन्होंने पहला सवाल किया कि मुझे कत्ल करने वाला जो है वो कौन है। उन्होंने कहा जी फलां मुजूसी है। कहते हैं अल्लाह तेरा शुक्र है, किसी मुसलमान के हाथों ने ये काम नहीं किया। हजरात हालत क्या थी? जिस्म को कुव्वत देने के लिए उन्हें दूध पिलाया गया, गरम गरम। हमारी पंजाबी जुबान में कहते हैं कोसा दूध पिलाना। उनको गरम गरम दूध पिलाया गया, कटे हुए पेट और कटी हुई अंतड़ियों से सारा दूध बाहर निकल आया। फरमाने लगे, अब जरा सुनते जाए, मुहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीन मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कअन सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन असरिस सुजूद। वो अल्लाह की रजा चाहने वाले थे, वो इक्तदार चाहने वाले नहीं थे। उनसे पहला सवाल किया गया, आपके बाद खलीफा किसको बनाए? फरमाने लगे, अगर आज अबू बैदा बिन जर्रा जिंदा होते तो मैं अपने बाद उनको खलीफा बना देता। क्यों? हजरत उमर की आदत थी, ये अपने गवर्नरों पर छापे मारते थे। जो कूफा की सरजमीन थी, इराक की सरजमीन, दजला फुरात की, ये बड़ी सरजब्दो शादाब थी, खेत खलियान थे, लोग बड़े मुतबव्विल थे, इसलिए सरकश और बागी थे। हर एक खलीफा को इन लोगों ने तंग किया। तो इराक पर, कूफा पर अबू बैदा बिन जर्रा को गवर्नर बनाया। हजरत उमर ने जब छापा मारा, घर में कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं था, ना दाने ना फल, छत के साथ छिक्कू लटक रहा था,
रस्सी खोली, वो नीचे आ गया। सिरका और रोटी के खुशक टुकड़े अमीरुल मोमिनीन के सामने रख दिए, यही है आपकी मेहमानी के लिए, इसके सिवा कुछ नहीं। फतुहात हुई, बड़ा माल आया। फरमाते हैं अबू बैदा बिन जर्रा, वो बंदा जैसे वो अल्लाह के नबी के दौर में था वैसे ही अल्लाह के नबी के दौर के बाद, सादा तबीयत, ना माल रखना है ना जोड़ना है, जैसे आधे नबी में गुजर बसर किया वैसे ही बाद में। अगर वो जिंदा होते तो मैं उनको खलीफा बना देता। उनके बेटे की बड़ी इज्जत थी सहाबा में, वो मुहद्दिस थे, वो मुफ्ती थे, वो बाअमल थे, वो मुत्तबे सुन्नत थे, लेकिन इसके बावजूद क्या कहा, मेरी औलाद में से किसी को भी हाकिम नहीं बना। आज ये जो जुबान दरादियां करते हैं सहाबा किराम पर, कायनात में कोई बंदा ऐसी मिसाल ला करके तो दिखाए कि औलाद काबिल भी हो, उनके अंदर अहलियत भी हो, लेकिन इसके बावजूद वो वसीयत क्या कर रहे हैं कि मेरी औलाद में से किसी को हाकिम नहीं बनाना। और फिर सहाबा किराम के दौर में, उनके बाद भी ताबईन के दौर में, बादशाहों के दौर में हजरत उमर रजी अल्लाह तआला की औलाद को बड़े बड़े ओहदे पेश किए गए हैं, उन्होंने कभी भी कोई ओहदा कबूल नहीं किया कि हमारे बाप की ये वसीयत नसीहत है, हमने ओहदा कबूल नहीं करना। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला के 14 के करीब बच्चे थे, वो फरमाया करते थे कि मुझे औलाद पैदा करने की रगबत है, औरतों की रगबत नहीं, अगर मैंने औलाद पैदा ना करनी होती तो मेरी जिंदगी बड़ी मसरूफ जिंदगी है। और उनके पसंदीदा नामों में से पसंदीदा नाम अब्दुल रहमान, उन्होंने अपने 3 बेटों के नाम अब्दुल रहमान रखे, अब्दुल रहमान अकबर, अब्दुल रहमान औसत और अब्दुल रहमान असगर। और उनकी कुनियत थी हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की अबू अब्दुर्रहमान। बड़ी उनकी लायक औलाद थी, वो लिखना पढ़ना जानते थे, वो उलूम व फुनून के बड़े माहिर थे, वो इल्म व हिकमत के हामिल थे। बड़े बड़े बादशाह हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर की राय से आगे बढ़ा करते थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कभी सारी जिंदगी, उन्होंने कहा कि मेरी औलाद को मेरे बाद नहीं हुकूमत का कोई ओहदा देना। अच्छा जी, किसको बनाए? वो 6 अफराद जिनको वाज़े तौर पर अल्लाह के नबी ने जन्नत की बशारत दी थी, उन 6 अफराद के नाम लिए। वो 6 अफराद कौन से हैं? हजरत तलहा रजी अल्लाह ताला, हजरत जुबैर रजी अल्लाह ताला, हजरत साद रजी अल्लाह ताला, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला, हजरत अली रजी अल्लाह ताला, हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला। फरमाने लगे इनमें से किसी एक को अपना खलीफा बना ले। और यकीन जानिए, मैं दावत फिक्र देना चाहता हूं, मामूली हया जो हया है, मामूली हया रखने वाला बंदा वो इज्जत करता है उस शख्स की, इस आदमी ने मेरे बाप का जनाजा पढ़ाया है लिहाजा मैं इनकी इज्जत करता हूं, ये शख्स मेरे अबाव अजदाद का इमाम रहा है, मेरे अब्बा जी इनके पीछे नमाजें पढ़ा करते थे, मेरे अब्बा जी मौलाना इस्माइल सलफी का खुतबा सुना करते थे। लोग इज्जत करते हैं अपने आइम्मा की, पर ये कैसी कौम है
24 साल तक जिन इमामों के पीछे हजरत अली और हसन व हुसैन नमाजें पढ़ते रहे हैं, ये अहले बैत और उनके सरदार और सरखैल हजरत अली के इमाम अबू बकर, उमर, उस्मान, ये हजरत अली के इमाम हैं। 24 साल तक वो इनके पीछे नमाजें पढ़ते रहे, हसन व हुसैन इनके पीछे नमाजें पढ़ते रहे। इनसे सवाल करें किस मुंह से इनके बारे में सब वो शतम करते हो। अगर तुम अली के इमामों का हया नहीं करते, अल्लाह की कसम है तुम कभी भी हजरत अली के साथ मोहब्बत में सच्चे नहीं हो सकते। हजरत अली इनके पीछे नमाजें पढ़ते रहे और हजरत अली क्या कहते हैं, अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास कहते हैं कि मैं एक बंदे के पीछे खड़ा था, वो कह रहा था कि काश मैं अल्लाह की बारगाह में पेश होता और मेरे आमाल जो है वो उमर के आमाल जैसे होते, काश। कहते हैं मैं जब मुतवज्जे हुआ कि मैं देखूं तो सही कौन बंदा है कि जो कह रहा है कि मैं अल्लाह के पास जाऊं तो मेरे आमाल उमर जैसे हो, फरमाते हैं मैंने देखा तो वो अली बिन अबी तालिब थे रजी अल्लाह तआला। हजरत अली के बेटे ने हजरत अली से पूछा था नबी अली सलाम के बाद सबसे अफजल कौन है, फरमाने लगे अबू बकर है, फिर कौन है, फरमाने लगे उमर है। आप हजरत अली आजी करते हुए कहने लगे मैं तो आम मुसलमान बंदा हूं, अना रजुलुन मिनल मुस्लिमीन, यानी आजी करते हुए इनकी सारी करते हैं। हजरत सुनते जाइए उस शख्सियत और हस्ती का तस्करा, काफिर भी इल्म और हिकमत के अंदर जिसके मोहताज है, यूरोप, यूरोप के कवानीन, इल्म और हिकमत में जिसके मोहताज है, दुनिया के महकमे, वो मुगलिया खानदान की सल्तनत हो या अंग्रेजों की सल्तनत हो, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला की सियासत से फायदा उठाए बगैर ये आगे बढ़ ही नहीं सकते, चल ही नहीं सकते। अच्छा फिर उन्होंने 6 बंदों के नाम ले दिए, कहने लगे कि उम्मुल मोमिनीन आयशा रजी अल्लाह तआला अना के पास जाओ और जाकर ये ना कहना कि अमीरुल मोमिनीन ने भेजा है, जाकर यह कहना कि मेरे बाप उमर ने भेजा है। अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं मुझे कहा कि जा उम्मुल मोमिनीन आयशा के पास जा, कि मेरी ख्वाहिश है सारी जिंदगी मैं अल्लाह के नबी के साथ रहूं। उसर युसर में हिजरत के अंदर फरमाने लगे मैंने मुस्तफा के साथ हिजरत की है, बदर का नारका मैंने अल्लाह के नबी के साथ लड़ा है, जाओ उनसे जाकर कहो कि मेरा जी चाहता है जब मैं मर जाऊं तो मैं मेरी कब्र जो है वो अल्लाह के नबी के साथ हो, लेकिन ये ना जाकर कहना। फरमाते मैं जब गया तो उम्मुल मोमिनीन आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा रो रही थी, वो भी रो रही थी। मुसलमानों पर तीसरी बड़ी मुसीबत है मुस्तफा अलैहिस्सलाम की वफात के बाद, वो फरमाने लगी ख्वाहिश तो मेरी थी। हुजरा आयशा, अल्लाह के नबी ने यह घर हजरत आयशा को दिया है, मलकियत है उनकी, एक मेरे बाप की कब्र है एक मेरे खामद की, यानी एक कब्र है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और एक कब्र है मेरे बाप की, मैं ये पसंद करती हूं कि अल्लाह तबारक का वताला जो है वो मुझे मौत देता और तीसरी कब्र मेरी यहां पे बन जाती। लेकिन हजरत उमर के इस्लाम पर एहसान ही इतने हैं कि मैं अपने ऊपर हजरत उमर को तरजीह देती हूं, जाकर उनको कह दो कि कब्र आपकी इधर ही बनेगी। हजरत हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु जिलहजा के आखिरी दिनों में जख्मी हुए,
और यकम महर्रम को, महर्रम की पहली तारीख को हजरत उमर रजी अल्लाह ताला नु अल्लाह के पास चले गए और आपका कफन दफन। और आप देखिए सहाबा किराम कहते हैं अल्लाह के नबी इसे सुना करते थे, मैं, अबू बकर और उमर, अल्लाह के नबी कहा करते थे मैं, अबू बकर और उमर, हम इसकी तस्दीक करते हैं, हमने खुद अपनी आंखों से देखा कि अल्लाह के नबी ने उमर बिन खत्ताब के हाथ को थामा हुआ, यानी मोहब्बत के वो मनाजिर अल्लाह तबारक व ताला ने जिस तरह जिंदगी में लम्हा ब लम्हा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ रखा है, मौत के बाद भी अल्लाह के नबी के साथ है। और जब क्यामत का दिन होगा और कब्रों से उठाया जाएगा, हजरात गौर कीजिए उनकी शान के क्या कहने हैं कि जिनको अल्लाह के नबी के साथ उठाया जाए। जिस तरह आप अपने बच्चों को आयतल कुर्सी, आप अपने बच्चों को कुलू अल्लाह सिखाते हैं हजरात, इसी तरह सलफ सालहीन अपने बच्चों को हजरत अबू बकर और हजरत उमर उनकी मोहब्बत सिखाते थे। ये हमारी पहचान है, ये इस्लाम की शान है, ये मुहाफिजीन कुरान है, पैगंबर के जान निसार है और दीन को महफूज करके हम तक पहुंचाने वाले हैं। अगर यही हमारे हाथ से जाते रहेंगे तो दीन इस्लाम ही चला जाएगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला जब तक हमें जिंदा रखे, इनकी मोहब्बत पर जिंदा रखे और इन्हीं की मोहब्बत पर मौत नसीब फरमाए।